जिसको कैमरे में नहीं आने का, मुंह को दस्तिया बन के बैठो, नहीं तो कैमरे चालू होते फिर बाद में बोलना नहीं, नेटो पे गए मुंह आ तो। हाँ लगा रे, पूरी ताकत लगा, जोर से उठ के खड़े हो जाओ, उठ के खड़े होगा तो कैमरे की रेंज में नहीं आते जिनको नहीं आने का तो। हाँ बैठ रहे, देखो उठने का हुक्म नहीं दिया, नाला है। हाँ उड़ो, खड़े रहो तुम लोग पीछे के, बस खड़े रहो। हाँ चल रहे, हाँ लगा पूरी ताकत लगा जोर से। हाँ हाँ मैं हाँ हाँ जोर जोर से बोल सुना। हाँ अब क्या करूँ, तेको काट के भस्म करूँ के क्या करूँ, इधर भी खड़े रह सकते, इधर खड़े रहो, यहाँ नजदीक आके इधर। हाँ हाँ तो मैं चले जाता। अच्छा तू बच्ची को कौन भिजाया, वो शमशान से आया कब्रस्तान से आया, जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास में। आया। अच्छा ये बच्ची की जान लेने के वास्ते जान लियो बोल के भेजा मेरे को। अच्छा अम्मास में मारो बोले, पुन्नम में मारो बोले बच्ची को, अम्मास में मारो बोले साहब। अच्छा कैसा, मगर मैं नहीं मारता। अच्छा तो कैसा मारो बोले, बीमारी डाल के मारो बोले, कैसा मारो बोले, बीमारी बदलो, सुसाइड कराओ के मार, क्या बोले हमेशा। अच्छा तो जादू चलाते वक्त बच्ची का क्या लेग गए थे, कपड़ा लेग गए थे, मट्टी लिए थे, चप्पल लिए थे, क्या लिए थे, बाल। अच्छा बाल लेग गए थे, बाल लेके गए थे। हाँ और जैसा, और इसकी एक चीज क्या, और कुछ चीज अंदर की। हाँ गंदा कपड़ा। हाँ हाँ, हाँ और जैसा और एक चीज, क्या चीज बोलो फोटो लेते इसकी। अच्छा चुरा के ले जाने वाला बाल जिसने चुराया वो औरत है, आदमी है, वो औरत है, इनकी ससुराल की तरफ की बच्ची की है, मायके की तरफ की है, इसके लोग हैं, इसकी मामी है। हाँ इसकी चाची है। हाँ और इसकी मामी की अम्मा है। और नूरजहां है, उसमें नामा बोलता हूँ, सिराज। हाँ मेराज। हाँ नूरजहां। हाँ ये लोग क्या दुश्मनी से करे से जादू, दुश्मनी है हमारे को ये बच्ची की जिंदगी, ये बच्ची की जब से शादी हुई जब से दुश्मनी है, इसको सुकून से न रहने दे रहे, इसकी पे इसकी आंख पे पंखी की स्पीड पूरी कम कर। हाँ वैसे आना बोल के जा रहे, ये दुश्मनी है साहब, ये दुश्मनी न छोड़ते न बोले, मैं चले जाता हूँ, मैं रहता हूँ। और बच्ची को दवा कहीं मिला के खिलाए थे, बुलाख की बिरयानी में, बुलाख की बिरयानी, और कई की क्या चीज की, मुर्गी की। हाँ मुर्गी की बिरयानी में खिलाए थे इसको। अच्छा मिठाई में, कई की मिठाई थी वो, जब इसका कुछ हो रहा था, कितना टाइम हो रहा खिला के वो, ये तो पहले खिला दिए थे एक साल पहले। हाँ एक साल पहले खिला दिए थे। हाँ अभी इन्होंने जाके कहीं बता दिए थे, वो सब हो गया था पता। ये जो दशहरे से शुरू करे साहब, डबल से वार करे। जी हाँ। अच्छा तो डबल से वार करते टाइम पे और खिलाए होंगे, कहीं में खिलाए, जब करे खुद में तो। जोर से बोल, एक बार दावत करके घर पे बुलाए थे। हाँ दावत थी नहीं गई थी। हाँ जब खिला दी थी उन्हें। हाँ वो असर ज्यादा नहीं हुआ उसको, इसके उन्हें था नहीं हुआ। अच्छा फिर आके घर पे डाले। हाँ तो दो घर बदले लगा। हाँ कोई घर में रहने नहीं दे रहे, दो घर पे डाले पहले, एक वो नट्टापल्ली नाइस के घर पे एक बार डाले थे, इसके माँ बाप की तबीयत खराब हुई थी, इसकी नहीं हुई थी, इसकी कब हुई, ये दूसरे घर में आया जब दूसरी पहली बार एक बहन डाली, बाद में एक बहन डाली, ऐसा करे साहब, मैं ऐसा बोल के वो करे मेरे को, मना बोल के जिंदगी। और दुश्मनी क्या थी, ये क्या दुश्मनी थी ऐसा जादू टोने करने को, लगा सही नहीं रहना, इनके बच्चे सही नहीं रहना, रोड पे आ जाना। हाँ इनके घर में एक सामान नहीं रहना। हाँ इनकी जिंदगी रोड पे आना बन के ये चाह रहे, ऐसा चाह के करे। हाँ सर मियाँ भी झगड़े में लगाए। हाँ शुरू लगाए थे। अच्छा
और क्या बोलते तो कमाई धमाई की बरकत भी उड़ाए क्या? सब सब इनके घर में कुछ भी नहीं है, सब खाली होता है। पूरा बर्बाद करके खत्म करने को करे थे। खत्म कर लेना। इसके शोहर को बच्चों को मारने का था क्या? नहीं। हाँ, खाली बच्ची कुछ मारने का है, बच्ची को मारने का है, इसके माँ बाप को मारने। इनके घर में से तीन जान जाना बल के था। कौन कौन तीन? माँ बाबा। नामों के साथ बोल, कौन कौन तीन लोग मरने वाले थे वो नामों के साथ बोल। शौकत, जोर से शौकत। हाँ, राजीदा। हाँ, अच्छा। में और एक बेटी है, उसका नाम सबा, ये लोग हैं। अच्छा, उसको भी मार देने का था। इन लोगों से अगर इन्होंने मरे बात तो बच्चे मर जाना। अच्छा, ऐसे नंबर लगाए वाले सबके अलग अलग। बच्चों से दुश्मनी बहुत है साहब। क्या दुश्मनी? बच्चे नहीं रहना, बच्चे है, ये चाहे लगा ऐसा करे साहब। ठीक है, उसको नाला कुछ जी के साथ झगड़ो। वो बच्चों को और उसके शोहर को और ये सब लोगों को भी खिलाया गया था वहाँ? ज्यादा तो इसके नाम से डाले थे, इन्हों भी खाए थे खाना। अच्छा, इनकी तबीयत खराब हुई थी। अच्छा, सब कुछ खिला दिए। हाँ, ज्यादा माई जो है ना, जो मैं इसके जिस्म में। अच्छा, तू उसके जिस्म में रह के क्या तकलीफ दे रहा था? मेरे को बोले थे इसको ऐसा ऐसा कर देना, इसकी आंख पे कपड़ा नहीं रखना, इसकी बेइज्जती होना, खाली दवाखानों में पैसा डालना, ऐसी हो जाना है, पागल हो जाना। ऐसी हो के खत्म कर देने का था। अब ऐसा हुआ, दवाखाने को कहीं भी लग गए तो दवाखाने वाले वॉश कर देते ना साहब, खुशी इनको मिलती। ऐसी इसकी घर की बर्बादी कर रहे हैं। ये दुश्मन साहब, ये दुश्मन पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसको तुम उतना कुछ टक्कर दियो, ठीक है ना? फिर मैं सारे उतारे के अंदर लेके सब झगड़ के नष्ट कराता हूँ। चल, तू तोबा तोबा कर, और आज के बाद तू वो करेगा जो तुझे मैं बोलूंगा। नाला तो अब वो लोगों को परेशान करेगा, इनकी परेशानी छोड़ेगा, तो अब मेरे ताबाई आके काम करेगा। चल, तोबा तोबा कर, दोनों हाथों मुंह पे मार, जल्दी उठा दोनों हाथों, नहीं तो काट के भस्म कर दूंगा। जोर से तोबा तोबा बोल, अल्टा के। हाँ, बोल जोर से तोबा तोबा। इधर से यार कैमरे वाले, हाँ जोर से कर तोबा तोबा, जोर से जोर से तोबा तोबा। तब जो भी करा माफी चाहता हूँ, जो भी करा माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता। अब आज के बाद जो मैं बोलूंगा तू वो करेगा। चल छोड़ उसको, बाहर खड़े हो, और वो जो उसकी दवा है वो सब मैं निकाल दूंगा उल्टे में जुलाब में। कहाँ गड़े उसका कपड़ा, उसको जाके शमशान में गाड़े, कब्रस्तान में गाड़े थे, कहाँ गाड़े थे? ये काम तो साहब मंदिर में हुआ। अच्छा, गाड़े वहाँ पे शमशान कने। हाँ साहब, ठीक है, चलो शमशान कन से निकालने की तैयारी करो, और उतारे के अंदर इसके सब ये जकड़ के दमा बाहर निकालने की तैयारी करो। चल भाग। हाँ, बाहर एक बार बोल। हाँ, जल्दी बोल। हाँ, बोल जल्दी। मालूम होना के ये दुश्मन है बोल के, मालूम होना है लोगों को, यकीन ना रहा मैं बोला भी तो मैं झूठ बोला, झूठ बोला बोल रहे साहब। ये करिश्मा तुम करो, वो तो सब बताते सबको, तू बाहर निकल के खड़े हो। चल छोड़ उसको, एक बात बोल रहा हूँ, जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास। आज तक मैं सब जगह गया, अगर वो ऐसा नहीं करे, लेकिन मैं दिल से आया तुम्हारे घर, मगर तुम ये दुश्मन का जो ये सबको मार पड़ेगी, सबको मार पड़ेगी, तेरे जादूगर को मार पड़ेगी, तेरे जादू कराने वालों को मार पड़ेगी, तुम्हारे का बाबा का राज चल रहा है, नाला को जादू वहाँ करेंगे, गच्चू पलटेंगे, तुम्हारे मारा नहीं पड़ेंगे तो वापिस वो आराम पलटेंगे, तुम्हारे हाथों पाँव ढीले होंगे, सबके आराम आड़ा गिर के मरेंगे बेमौत। नाला को चल, क्या नाम उनका? सैदा भाई, पानी पियो। कैमरा कहीं का लगे वाला नहीं है, वो लाकर लगाए वाला है, बोल रहा वो शमशान कर कोई मंदिर था, वहां बैठ के तंत्र मंत्र कुछ क्रिया चलाए, क्रिया चला के उसको पकड़े, पकड़ के इनके लाके खानों में डाले, दो बार दावतों हुए, दो तीन बार दावतों में मिला के खिलाए, एक्स वाई जेड जो भी बातें उन्होंने उसके जबानी सब बयान करा, मगर ये जो हरकतें होते हैं जादू टोना, बहुत अलग अलग किस्म के वार रहते, बहुत अलग अलग किस्म के थेरीज रहते उसके अंदर, बहुत अलग अलग किस्म के बलाएं डिफरेंस रहते उसके अंदर, उस तरीके से वो काम करते। जिन्नात जो रहता वो डायरेक्ट जिन्नातों के हमले बहुत खतरनाक करते, उसके बाद रूहानियत के जो रहते बदरू हैं जो उठाकर शमशान या कब्रस्तान से पकड़कर जागरूक जिसको बोलते वैसा करके छोड़े, तो वो दिमाग पकड़ के दिल पकड़ के बातें करता अंदर आके, मगर पेशेंट को भी बातें समझते थोड़े बहुत कि क्या हो रहा है क्या नहीं चल रही, उसकी जबान और दिल दिमाग उसके कंट्रोल में रहता। और
और दूसरी बात क्या बोलते, तो सवाल जो आपको सुने आ रहे थे कि तुम आको मैं को याद ना लगा था, इलाका बोलन थे मगर मेरे को याद ना लगा। अभी क्या हुआ यहाँ, सवाल जो आप कुछ याद है क्या यहाँ क्या हुआ? अब तो याद नहीं है सर, थोड़ा बहुत याद है, 5-10% याद है। उनकी बातें का सब भूल गए, ऐसा नींद लगता है मेरा। ठीक है ना, तो यहाँ से तो अल्लाह करम से सब राइट करते, क्योंकि ये बला जो लगे वाली रहती जिन्ना शैतान, इसमें सब अलग अलग थ्योरी से अलग अलग पार्ट्स बढ़ते। अगर जिन्ना शैतान लगे वाली कोई बला है तो उसको एक मिनट में जकड़ के निकाल के बाहर फेंक देते, और ये जो बला रहती इसको अब भी पकड़ के बाहर निकाल के फेंके तो ये बाहर जाने के बाद 4 कदम बाद फिर रिवर्स अंदर आ जाता। क्यों आता? क्योंकि इसकी जो दवा रहती, इसकी जो दवा नस नस में भिन गया रहती, और वो क्या करती, लोक चिम्मक कैसा लोहे को खींचता, मखनातीस कैसा लोहे को खींचता, वैसा मैग्नेट कैसा आयरन को खींचता, तो उस तरीके से ये कैच करती दवा, उसको अंदर से खींच के बुलाती रिवर्स, उसको जाने नहीं देती, क्योंकि वो उसको पैदा उस काम के वास्ते करे वाला रहता, और जो मकसद के वास्ते उसको पैदा करे वाला रहता सिर्फ वो उतना ही अमल करता, उसको बाकी कुछ समझता नहीं। उसको खाली इतना बोल दिया जाता कि पेशेंट को गलाना गलाना सड़ाना परेशान करना, इतने लोगों को मार देना, तो उतने लोगों को बरबर जो टीम उठाए वाली रहती, वो पूरी टीम पैदा करे वाली रहती अमल अभ्यास से, वो जो भी टीम रहती जागरूक करके जिसको छोड़ जाएगी, और जागरूक करने वाले तो दुनिया में बहुत कम लोग बचे आ लिए, मगर लोगों को असल इल्म सबको नहीं पता है। अगर सारे लोगों को असल इल्म पता रहेगा तो फिर बंदर के हाथ में मशाल दे दिए वैसी बात हो जाएगी, ऊपर दुनिया जला देंगे ना फिर, किसके व्यांगों पे कुछ भी करके, किस पे भी कुछ भी। इसलिए बहुत इल्म के जानकार दुनिया के अंदर कम है, थोड़े थोड़े रखे अल्लाह ने, मगर जादूगर और जादू वाले जो शैताना है, शैतान के साथियां, तो वो तो जगह जगह पर है। शैतान के साथियों को तो कुछ समझता नहीं, शैतान के नालायक निकटुआ चेले, वो शैतान आके उनको सिखाता और सिखा के वो जो भी शैतानी वसवसों से शैतानी तरीकों से हमले कराते, ये सब गलत बातें हैं। और लोगो एक बात जहन नशीन कर लो, तुम्हारी नफ्स और रूह दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। नफ्स वो है तुम्हारी जो अंदर से तुम्हारा आराम करने लगाती, चल आज सोचेंगे, अभी 2 घंटे के बाद नमाज पढ़ेंगे, चल अभी थोड़ा आराम करेंगे, नहीं जाएंगे नमाज को, अभी जाएंगे ना असर में जाएंगे ना जोर में जाएंगे ना, ये जो तुम्हारा ढीले दिलाता अंदर से, तो तुम्हारी नफ्स है नफ्स। और जो तुमको बोलती नहीं चल नमाज कजा होगी, नमाज पढ़ चल जल्दी सजदा कर, तो वो तुम्हारा कम बोलता हो, तो वो तुम्हारी रूह है। रूह अगर तुम्हारी ताकतवर रहेंगी तो तुम बराबर खींचते हुए नमाज को ले जाएंगी, नेक वक्त रहेंगे। तो बनाओ ना रूह को ताकतवर, जो तुम्हारा नमाज से रोक रहा, इबादत करने से रोक रहा, अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे ना, थोड़ा आराम कर लेंगे ना, अरे वो आराम तो हराम है, जो तुम्हारी इबादत रोक के तुम आराम कर रहे, तो ये आराम मत करो, ये आराम हराम है, तुमको लामहदूद जिंदगी के अंदर आजाब मिल जाएगा। उससे बचने के लिए दुनिया का आराम को हराम करार दो और इबादत करो ज्यादा से ज्यादा, इबादत की राह पे जा रहे और तुम्हारा अंदर से नफ्स तुम्हारी खींचती, नफ्स ये बोल के खींचती कि चलना थोड़ा आराम कर लेंगे ना, अभी थोड़ा सोचेंगे ना, थोड़ा सो लेंगे ना, फिर ईशा की फजर की नमाज पढ़ेंगे ना, ईशा की नमाज पढ़ने का थक गए ना, आराम कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, तुम फिर बरोबर तुम यकीनन क्या बोलते तो धसते जाएंगे दलदल में बुराई के शैतान के साथ में, और तुम गर्क हो जाएंगे, फिर बाद में हलाक हो जाएंगे, और तुमको आजाब भी दुनिया में भी मिलेगा, तुम्हारे आमाल तुम्हारे ये ऐसे हरकतें करा के परेशान करेंगे जादू टोने, तुम ज्यादा काबिज हो जाएगा, हावी हो जाएगा और तुम गर्क हो जाएंगे। और तुम अगर इबादत की रस्सी को मजबूती से थामेंगे, नफ्स पे कंट्रोल पाएंगे, कंट्रोल अगर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो ये फायदा होगा कि तुम्हारी रूह मजबूत होते जाएंगी, और रूहानियत तुम्हारी मजबूत रहेंगी तो फिर तुम इबादत की राह को मजबूती से थाम के चलेंगे, और मजबूती से रूहानियत की राह इबादत की राह को थामेंगे तो रूहानी पावरफुल होने के बाद फिर तुम पर कोई जादू टोने नहीं चला सकता, क्योंकि तुम डायरेक्ट अल्लाह की निगहबान में आगे वाले, फिर अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता। और तुम अगर ऐसे मनमानिया करेंगे कि नहीं देखेंगे हम मानते नहीं, ऐसा कुछ रहता नहीं, जादू टोने को हम नहीं मानते, तो अरे तो तुम जाहिल हो गए फिर। इस्लाम में जाहिल अनपढ़ को नहीं बोला, जाहिल आलिम को, जो आलिम पढ़ के आलिम बना और आलिम बनने के बाद उस पर अमल नहीं करा तो उसको जाहिल बोले आला, यानी कि जान कर भी अनजाना बन रहा। तो ऐसे हरकतें मत करो, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दो। क्या नहीं होता अमल अभ्यास से, क्या नहीं होता जादू टोने से, हर वो चीज बता दी वाली जादू टोने के अंदर अल्लाह ने बता दिया, कुरान के अंदर तो हर चीज बता दिया कि जादू टोने से क्या नहीं होता, इसलिए जादू टोने के करीब मत जाओ, वो खराब है, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता हो, वो जो भी सीखता, क्योंकि सीखने के बाद में इंसान के अंदर तो ज्यादा तो इंसान नफसी करता, आनापना, मैं हूं तो कोई नहीं, मुझे गाली कैसा दे दिया, मुझे ऊंचे आवाज में बात कैसा कर दिया, मुझे घूर के कैसा देख लिया, अब मैं इस पर जादू कर देता, मेरे से आगे कैसा जा रहा, तरक्की कैसी कर रहा दुनिया में, इसको बच्चे कैसे हो रहे, इन्हें इसकी शादी क्यों हुई, उसके बच्चों की शादी क्यों हुई, ये वो फलाना, ये ऐसी नफ्स ख्वाहिशात जागते हैं, अनापने में ला लेते हैं, मैं हूं तो कोई नहीं, और वो अनापने में इंसान क्या करता, कुछ सीखे ला रहा तो जादू टोने आड़े तेड़े एक दूसरों पे चला के तबाह बर्बाद कर देता, उसकी भी जिंदगी, इसकी भी आखिरत बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं है,
कि तुम अगर सोच रहे कि हम ठंडी छांव में बैठ के जादू चलेंगे उसके ऊपर, उन्हें परेशान हो जाएगा जादू में और हम सुकून में बैठेंगे, ये बात जहन से निकाल लो, क्योंकि जिस दिन हटाने वाला मिलगा ना उस दिन तुम्हारे वार तुम पे पलट के पड़ते और इतने खतरनाक तरीके से पलटा देता हो कि तुम्हारी तोबा कबूल नहीं होती। सबसे पहले छोटा मोटा जो जादूगर है उसको मार पड़ती है, जिसने भी जादू चलाया उसको घेर के मारते, वो वार पलट के उसको मारने के बाद में जिसने जादू के कराया था पैसे देके उसको मार पड़ती, उसके बच्चों पर उसके घर पर सब। बोलते ना कि तुम अगर बुरा करोगे तो तुम्हारे बच्चों के साथ बुरा होगा, तो तुम्हारी नस्लें पिस जाती फिर। तो इसलिए बेहतर है कि हसद जलन को दिल से निकाल लो। ये हसद और ये जलन जो है, ये अनापना, ये नफ्सी जो है, तो ये नफ्स को हलाक कर दो, तुम अंदर से मार दो उसको, मुर्दार कर दो। अगर नफ्स को तुम अपने ऊपर काबिज कर लेंगे, अपने ऊपर हावी कर लेंगे, तो वही तो नफ्स है जो तुम्हारे जहन्नुम में ले जाने वाली, वही तो नफ्स है जो तुम्हारे तुम्हारे नबी से दूर ले जाने वाली, राह फी सबीलिल्लाह से तुम्हारे दूर लेके चले जाएंगे, अल्लाह के राहों से, सिरातुल मुस्तकीम की राह से हटा देंगी और तुमको शैतान की राह पे ले जाके तुमको जहन्नुम का ईंधन बना देंगी। ये तुम्हारी नफ्स है, बता दिया अल्लाह, नफ्स पे जरा अमल करो और उसके बारे में जरा तहकीक करो, उसके बारे में जरा स्टडी करो क्या है और कैसा तुम्हारे को बहकाती। तो इसलिए दिल से कीने कपटे बुग़्ज़ ये सब निकाल के उसमें नूर पैदा करो, अल्लाह का जिक्र अस्कार कर करके कलमा पढ़ो, तुमको जो पढ़ने आता वो पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा जिक्र अस्कार करो, फिर यकीनन तुम जैसे जिक्र का मामूल बना लेंगे, रोज एक टाइम पे जिक्र पढ़ेंगे उत्तर घंटे या उत्तर टाइम, तो जिक्र बाद में तुम्हारी हिफाजत करता। और जिक्र तुम अल्लाह के लॉ में करो, अमल अम्बियात की लालच में मत करो, अमल अम्बियात सीखने के लालच में अगर तुम जिक्र अस्कार कर रहे तो यकीनन तुमको मार पड़ेगी, यकीनन तुम कपड़े फाड़ेंगे और नंगे पागलों के रोड़ों पे फिरेंगे तुम लोग। क्यों? क्योंकि जिक्र की मार रही थी, जिक्र की भी वारा तुम उलट पड़ जाती हो, तुम में उतनी वो नहीं रहती ताकत, रूहानी पावर पहले से नहीं है तुम में, जो तुम जिक्र असकार को बर्दाश्त कर लेंगे और सारे जो दास्तान है उसको पार करते हुए सीढ़ी दर सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप तुम आगे बढ़ते जाएंगे, अमल अमलियात की दुनिया में नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई कामिल पीर नहीं है और कामिल पीर बहुत कम रखा अल्लाह ने दुनिया में, बाकी सब चोरा है, निखट्टुआ है, बदमाशा है, और असल छुपता नहीं और नकल चलता नहीं, और नकल को खाली बातें करने आते, मैं ऐसा मैं वैसा मैं, मेरा मकाम इतना बढ़ गया, मर्शे इलाही पे भी जाके आया, अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्लाह मैं ऐसे बदमाशा। और वो शैतान और मरदूत का साथी है वो पीर, कि जिसके बाजू में तुम, मैंने भी देखा बहुत सारे लोगों के बातें सुना मैंने, उनके पीर उनको ये बोलते करते कि अल्लाह ने उनको नमाज माफ कर दिया, इतने इबादत के अंदर दर्जात उनके बुलंद हो गए कि माज अल्लाह अल्लाह माफ कर, अस्तग़फिरुल्लाह क्या बोलूं मैं, अल्फाज नहीं मेरे, उनके पीरों पे नमाजें माफ हो गई। बहुत सारे निखट्टू चोर पीर है जो तरीकत की लाइन को बर्बाद करने के वास्ते, बदनाम करने के वास्ते बैठे आले, उनकी तो बदनाम वो यहूदियों के दलाला होंगे वो, क्योंकि उनको नमाज कैसे किसी को माफ हो सकती, कोई इतना तो इल्म के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता, कोई वलायत के मकाम में इतना तो आगे नहीं जा सकता कि गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के मकाम तक जाकर उसका मकाम टक्कर मार सकता क्या, नहीं मार सकता। पीरों के पीर शहनशाह अल्लाह ने बनाया वाला आपको, और कुतुब रब्बानी अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता कराया कि सारे वलियों के सर का ताज बनाने वाला नहीं, वहां तक तो तुम उनकी जूती तक भी नहीं जा सकते इबादत करते हुए, उनकी जूती को जो धूल लगे आएगी धूल तक उन्होंने इतनी इबादत करे अल्लाह की, वो इबादत के वजह से अल्लाह ने उनको इतने बुलंद मकामात अता करा था, तो उनको तो नमाज माफ नहीं करा ना अल्लाह ने, फिर तुम कहा के कौन तुमको कैसी नमाज माफ होंगी, नालायक हो इबलीस के साथियों। हाँ यकीनन तुम्हारे पीर, तुम बोलो ना हमारे पीर को नमाज माफ है, तो यकीनन तुम्हारे पीर को नमाज माफ है, मैं मानता ना, वो तुम्हारा पीर शैतान है, वो इबलीस है, उसको नमाज माफ है, क्योंकि उन्हें पढ़ भी नहीं सकता, उसको माफ है ना, उन्हें पढ़ के भी क्या मतलब, उन्हें सजदा भी करा तो कुछ नहीं ना, कितने भी पहले सजदे कर लिया ले और मलून का लखब ले, ऐसा वो नहीं है कोना रोए जमीन का कि जहां पर उन्होंने अल्लाह के वास्ते सजदा नहीं करा, मगर बाद में अल्लाह ने क्या मकाम दिया उसको, इतना बड़ा मकाम दिया था कि 70,000 फरिश्ते उसको झुल्ला देते थे, फरिश्तों का सरदार बनाया था, एक अल्लाह की नाफरमानी करा, एक मैं इसको क्यों सजदा करूं, पढ़ो आखिर पता चलता, आदम को सजदा नहीं करा, उसके बाद क्या आलम किया फिर अल्लाह ने उसके साथ में, बदबख्त मलून का लखब दे दिया गया उसको, कयामत तक के वास्ते लानत का तौख अपने गले में पिना लिया उन्होंने, और तुम उसके साथ ही आए बोलकर तुमको नमाज माफ हो रही दिखता, नमाज की राह भटकेंगे अगर तुम तो यकीनन तुम पिस जाएंगे। और हसन जो हुसैन की औलादे, हसनैन जिनको बोलते थे उनकी औलादों का अदब करो, सैयदों का, सैयद दुनिया में कम है और अल्लाह ने सारे और सबके ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार दिया था, जन्नत में बुला के फरमा दिया था वो सैयदना मौलाना मोहम्मद, ऐ मेरे हबीब मैं आपको सैयद का और किताब अता करता हूँ। फिर उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर आए और आकर फरमाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बाद मेरी बेटी अम्मी हुजूर फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सैयद, और उनके बाद उनके जो दो बच्चे हैं इमाम हसन और हुसैन वो सैयद, और उनकी नस्ल सैयद रहेंगी, बाकी कोई दुनिया में सैयद नहीं उनके अलावा।
हजरत अली ने दूसरे भी निके किए थे अबू हनीफा कबीले से, बाद में अम्मी हुजूर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला दुनिया से पर्दा होने के बाद, तो वो भी बच्चों को सैयद का लखब नहीं लगता, वो बच्चे अहले बैत बोलते हैं उनको, सैयद सिर्फ इमाम हसन हुसैन की औलाद, इसलिए उनका बहुत अदब करना है, बहुत अदब, तुमको क्या पता उनका अदब, तुम अगर अदब नहीं करोगे बा अदब बा नसीब बद अदब बद नसीब बन जाएंगे तुम, तो इसलिए अल्लाह कहें सुनने से ज्यादा तुम सब लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, पढ़ो स्टडी करो, इल्म का दौर चल रहा, इल्म हासिल करो, कुछ तो दिमाग में बातें बैठेंगी तुम्हारे, वरना तुम ऐसे जादूगरों के चक्करों में इसमें मत पड़ो, किसी का कुछ नहीं जाता बेटे, जिस दिन उरी दिन अल्लाह वालों के पास में जाएंगे लीला जाए स्टार्ट होंगे, तो तुम्हारे पर कतर के तुम्हारा जादू टोना वापस पलटा दिया जाएगा, और जो वापस पलटेगा तो तुम्हारी नस्ल गर्क और हलाक हो जाती तबाह होके, किसी का कुछ जाता नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे को बार बार ये बोलता हूँ कि अपन नेक रहेंगे, अपने दिल में अल्लाह का नूर पैदा होगा जिक्र अस्कार की वजह से दिल दिमाग में, तो फिर अपनी नस्लें भी सब हर चीज राइट रहेंगी, दुनिया के अंदर सब बरकरार रहेगा, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे, बोलने के लिए तो और बहुत कुछ है मगर इतने इन शॉर्ट में तुमको बातें बता दिया मैं, अल्लाह तुमको कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे, और ये वबाओं से बलाओं से जादू टोनों से अल्लाह की पनाह मांगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तुफैल में पनाह मांगो, क्योंकि तुम्हारे घर में अगर जादू टोना घुस जाएगा तो तुमको हटाने वाला तो नहीं मिलता, मगर तुमको पहले से बर्बाद कर देते लोग आधे ज्यादा, इधर से हटाने के नाम पर लोग तुमसे पैसा लेके खा लेते चोरा, और उधर से वो कर करके तुमको परेशान करके गर्क कर देते, इसलिए अल्लाह की पनाह में रहो, अल्लाह तुमको कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, और अल्लाह सबकी हिफाजत करे, इज्जत आबरू की, जान माल की मुकम्मल तौर पर, ठीक है।